हाय बेबे, मैं तो कितना सोना है। मैं देखो जी, बंदर जैसी हरकतें बंद करेगी। और लालच कब जाएगा तेरा? इतना कुछ दे दिया पर लालच नहीं मरा तेरा। बेबे मैं तो बस देख रही थी कि ये हट परे, रख इसको अंदर। पालना तैयार हो गया है, उसमें गद्दा लगा के, कपड़े शपड़े लगा के, सोना सजा के रखने की जिम्मेवारी तेरी है, समझी? शाम को जलसे में शाह की गद्दी बनेगी ये। और ये सब कुछ तेरे हिस्से का है। तू होने वाले शाह की माँ है। जब मैं शाह की माँ बनी थी ना, तो मेरी सास ने ये सब कुछ मेरे को दिया था। अरे बेबे, आपकी सास तो बड़ी दिल वाली थी, है जी? और कोई सास दिल वाली नहीं होती ओए। वो तो मैं ही हूँ जो तुम बहुओं को इतने शऊर से रखती हूँ। ऐ देख, ऐ खानदानी कड़ा, शाही कड़ा। बेबे, कड़ा तो बड़ा खूबसूरत है। वो तू जीभ लपेटेगी, लटकती रहती है कुत्ते वर्गी। ऐ कड़ा चरण कभी ले नहीं सका मेरे से। ओ जी, मैंने ही नहीं दिया उसको, पर हुण मैं ये गलती नहीं करांगी। आज शाम को शाहपोशी के वक्त एक कड़ा में नवे शाह के सपुर्द कर दूंगी। पर बेबे, मनु के वास्ते बड़ा नहीं आएगा। और तू अपना लालच बंद करेगी कुड़िये? तू ये सब कुछ संभाल के रख ले संदूक में। बेबे, मैं क्या कह रही थी, आप तो ना बस मुझे डांटते ही रहते हो। और देखो जी, आज तो आपने मुझे कुछ दिया भी नहीं। रावी तू परेशान, इतना सब तो दिया है ना तुझे, और हर वक्त तो तुझे मिल नहीं सकता। इसका बेटा शाह बन रहा है तो इसको मिलना ज्यादा जरूरी है। नहीं जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि एक ऐसे ही कड़ा सेम टू सेम सुखी के वास्ते भी बनवा दो। वो भी तो इस घर का बेटा ही है, हैं? वो बेटा है, शाह नहीं। 10 साल से तेरी बकवास सुन रही हूँ, आज तुझे कुछ नहीं मिलना। समझ में नहीं आती तुझे बात? रावी, मैंने कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया। जो मनु का है वो सुखी का भी है। रहने दे, पड़ जाए। इतना बड़ा दिल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मनु का है ना, वो मनु के लिए रहने दो। सुखी के वास्ते सुखी के पापा और मैं सब कुछ कर लेंगे। ओ महारानी, पालना तैयार हो जाना चाहिए, समझी? मैंने जो कह दिया और कर दिया, उस पे किसी को सवाल उठाने का हक मैंने नहीं दिया। किसको मैंने जेवर देने हैं और किसको सजा, ये फैसला सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। कमरे में तूने जगन के साथ जो बातें की हैं, वो तेरे और तेरे पति के बीच की बात है। ओए, मेरी गल अभी खत्म नहीं हुई है, चुक चुतिया। कोई नहीं, पर जाई, तुसी तो वड्डे हो और वड्डों की सेवा करने में मैनू कोई परेशानी नहीं होती। वो तो शंकर भगवान है। अच्छा, ये भगवान तो अलग रंग के हैं, बाकी सब भगवान तो ऐसे नहीं है। बोलो दीदी, बोलो बोलो,
शंकर भगवान नीले क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबका अच्छा करना चाहते हैं, इस पूरी दुनिया का। एक दिन उन्होंने समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला वो सबको बचाने के लिए पी लिया। बिल्कुल तुम्हारे पापा के जैसे। मैंने भी गलत किया बाऊजी, गलत समझा उसे। वो तो राज को बचाना चाहती थी और मैं उसी पर भड़क गई। उस औरत की भी क्या गलती थी? सही कहा उसने, उसने अपना पति खोया, अपना बेटा खोया। यही गल मैं हरजीत नु समझाना चाहता हूं कि बंद कर दे ये सब खून खराबा, पर दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि जिन्नी बार मैं कोशिश करता कि ये पेड़ नु मैं काट के फेंक देवा, कहीं न कहीं से एक नया पौधा कांटों के साथ फूट पड़ता है। चंगा हो यार, एक गल तुम दोनों के बीच वहीं रुक गई, पर चरण की पत्नी की भी हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने भी चरण की बातों के मतलब को सही समझा है। बड़ा सोना पालना है, बड़ा है, सुंदर है, शाहजी का है, पर शाहजी है कहाँ? वो देखो शाहजी आ गए। गए पवनियों के होने वाले शाह। अंबा के कमरे से कड़ा लिया। जाना, पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। ए खानदानी कड़ा, शाही कड़ा, आज शाम को शाहपोशी के वक्त एक कड़ा मैं नवे शाह के सपुर्द कर दूंगी। एक ऐसे ही कड़ा सेम टू सेम सुखी के वास्ते भी बनवा दो, तो इस घर का बेटा ही है। ओ बेटा है, शाह नहीं। सिमी तू जुतियां नहीं उठाएगी, रावी तू उठा जुतियां। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। उची गलती हो गई जी, सॉरी। दूध का गिरना बहुत ही अपशगुन है, वो भी आज के दिन। ये क्या किया तूने? तुझे आज ही के दिन अपशगुन करना था? कोई काम ढंग से नहीं आता तुझे? जब घर में गाय है, दूध की कमी नहीं। मनु, मनु, कुछ नहीं हो रहा। मनु, मनु, बेबी, मनु पूरा नीला पड़ गया। कपड़े खोले इसके, मैं देखूं कहीं कोई कीड़ा ना काट लिया हो।